हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड रीज़न मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी कन्वे कर दिया था, बट आई ट्राई कि हम जो समय थोड़ा ख़राब हुआ है उसका जो कंपेंसेशन विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कवर अप करेंगे। एंड मीनवाइल मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है फॉर यूपीएससी पीएफओ एपीएफसी एंड एओईओ, वो भी आपका अपलोड हो चुका है। दिस मॉक टेस्ट कैन बी अटेंडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड अटेंड दिस पर्टिकुलर मॉक, वेरी बेनिफिशियल, कम्प्लीटली ऑन द लाइन्स ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न इसको बनाया। ओके, आज का लेक्चर जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, डिस्कस करना है कोड ऑन वेजेस के ऊपर। आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 2021 पब्लिश हुए थे, तो ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड रूल्स हैं उसको हम देखेंगे। इसमें बेसिकली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, मीटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, टर्म क्या होती हैं, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सब इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। और एमसीक्यू कोर्स आप लेते हैं किसी ईपीएफओ, आप कोड यूज़ करें जिससे आपको 50% ऑफ भी मिलता है। एंड अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी। दिस इज़ हाई टाइम कि आप ये कॉम्बो के अंदर जो एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की अगर हम सबसे पहले तो बात करें, तो बोर्ड के अंदर देखो जितने भी लोग होंगे ना, उन सबको नॉमिनेट कौन करेगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगा जितने भी लोग बोर्ड के अंदर होंगे। अब इस बोर्ड के अंदर इम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, इम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सनस भी होंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। कौन हो गए? एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिपेंडेंट पर्सन बेसिकली जो ना एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एम्प्लॉय को, न्यूट्रल हैं एक तरीके से, और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। ओके, तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्लियरली इन गाइडलाइंस के अंदर लिख दिए गए हैं कि 12 जो हैं वो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एंड 12 ही एम्प्लॉयज के, तो सेम होगा, इक्वल नंबर जो है उसके अंदर रखा जाएगा। अब जब हम इंडिपेंडेंट पर्सन्स की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा उसमें कौन कौन आ जाएगा? उसमें एक चेयरपर्सन होगा, बेसिकली जो भी चेयरपर्सन होगा ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से होगा, ये भी आपने बात याद रखी। तो सबसे पहला तो चेयरपर्सन हो गया, चेयरपर्सन जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विल बी एक्टिंग एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो कोड ऑन वेजेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर होंगे। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके मेंबर्स होंगे। ओके, 4 मेंबर्स ईच ऑफ होम शॉल बी प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वेजेस एंड लेबर रिलेटेड इशूज। तो 4 यहाँ पर हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को भी लेकर के आने की बात कर रहे हैं। 4 यहाँ पर प्रोफेशनल्स होंगे जो ऑलरेडी वेजेस या लेबर रिलेटेड इशूज में किसी ना किसी प्रोफेशनली इन्वॉल्व रहे हैं। देन देर विल बी 1 मेंबर जो इंडस्ट्रियल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसमें वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे हों। 2 मेंबर्स ईच ऑफ होम शॉल बी चेयरपर्सन ऑफ सच स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। ओके, तो बेसिकली देखो अब स्टेट्स में भी होते हैं ना स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, तो 2 मेंबर हम स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स में से लेंगे जो बेसिकली स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हों। अब इसके लिए हम ना अलग अलग स्टेट से रोटेशन बेसिस पे ले लेंगे, ठीक है, कभी किन्हीं 2 स्टेट से ले लिए, कभी किन्हीं 2 स्टेट से ले लिए। ओके, तो चेयरपर्सन होने चाहिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। ये सब आपके कौन है? इंडिपेंडेंट पर्सन्स। ओके, जो बेसिकली अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। उसके बाद जी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एम्प्लॉय के हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कमिश्नर स्टेट लेबर डिपार्टमेंट के, इस लेवल के बेसिकली होने चाहिए। और अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब 5 ही हैं, स्टेट्स अपने पास ज़्यादा हैं, तो वो अगेन सेंटर रोटेशन बेसिस के ऊपर उसको डिटरमिन करेगा।
ऑल राइट right. उसके बाद जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है वेज डिवीजन डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो एज अ मेंबर सेक्रेटरी एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर बोर्ड का. एंड जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है बोर्ड के अंदर, उसको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स का नंबर है ना, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड का क्या मतलब हो गया कि अगर भाई टोटल 15 मेंबर है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 तो हो नहीं सकते, ज्यादा ही होंगे क्योंकि 12 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉई के और 12 तो एम्प्लॉयर के हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 है तो 15 का 1/3 कितना हो गया, 5. माने कि 5 सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सारे इंडिपेंडेंट ही भर दिए सरकार ने वहां पर, तो 1/3 इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. एंड जो भी टोटल स्ट्रेंथ है ना बोर्ड की, उस टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 जो मेंबर है वो वुमेन होनी चाहिए. ठीक है, तो ये मोटे मोटे पॉइंट आपने याद रखने हैं. देखो, अब इसमें से कॉम्पोजिशन में से मेनली आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो आपने ये याद रखना है कि इम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन आप याद रख लेना. ठीक है, उसके बाद 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के होंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं याद रखना है. जॉइंट सेक्रेटरी वाला पॉइंट फिर भी इतना ज्यादा नहीं, ये जो पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं, एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन का कॉम्पोजिशन, 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के हैं. जॉइंट सेक्रेटरी वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. दूसरा कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो 1/3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन, ये मेनली आपने याद. ठीक है, अब बात करते हैं मीटिंग की. तो देखो जी, चेयरपर्सन जब भी उसको लगे कि मीटिंग करना ज़रूरी है वो मीटिंग बुला सकता है बोर्ड की. ओके, एंड प्रोवाइडेड दैट, अब इसके अंदर एक और कंडीशन है, एक तो हो गया कि चेयरपर्सन बुला सकता है, अब बाकी मेंबर्स को लग रहा है कि यार कंडीशन इंपॉर्टेंट है मीटिंग के लिए, कोई बात करनी है इंपॉर्टेंट, लेकिन चेयरपर्सन मीटिंग नहीं बुला रहा, तो उस केस में भी प्रोविजन है. उस केस में क्या प्रोविजन है, दैट नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स, कि कम से कम 50% मेंबर्स अगर चेयरपर्सन को राइटिंग के अंदर देते हैं कि हाँ जी एक मीटिंग कंडक्ट कीजिए, तो चेयरपर्सन को 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिसीविंग ऑफ सच रिक्वेस्ट उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन मीटिंग नहीं बुला रहा तो मेंबर्स फिर बैठे रहेंगे, नहीं, मेंबर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन राइटिंग और फिर चेयरपर्सन को मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी. उसके अलावा जो भी मीटिंग डिसाइड की जाएगी, ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन आज फोन उठा करके बोले कि चलो मीटिंग करनी है, नहीं, चेयरपर्सन एक पहले डेट फिक्स करेगा, टाइम एंड प्लेस फिक्स करेगा मीटिंग की, और एक पूरा लेटर बनाएगा, उसके अंदर क्या बेसिकली मीटिंग के अंदर डिस्कशंस होनी है, क्या बिजनेस है जो मीटिंग के अंदर डिस्कस होना है, वो सब लिस्ट करेगा, एंड देन वो सेंड किया जाएगा टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एटलीस्ट 15 दिन पहले ऑफ सच मीटिंग. ठीक है, कम से कम अगर इमरजेंसी मीटिंग है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसमें बुलानी पड़ रही है चेयरपर्सन को मीटिंग, तो उस केस में भी एटलीस्ट 7 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, जनरली 15 डेज, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो 7 डेज. चेयरपर्सन के फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो जो चेयरपर्सन होगा वो जो भी मीटिंग होगी बोर्ड की उसको प्रिसाइड करेगा, और अगर बेसिकली चेयरपर्सन एब्सेंट है किसी पर्टिकुलर मीटिंग से, तो वो अपनी जगह किसी दूसरे मेंबर को चुनेगा कि हाँ भैया ये मेरी जगह मीटिंग को प्रिसाइड करेगा. या दूसरा तरीका उसके अंदर क्या हो सकता है, जो मेंबर्स हैं ना वो खुद ही आपस में से एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज कर लेंगे वोट करके कि हाँ जी दिस पर्टिकुलर पर्सन विल प्रिसाइड द मीटिंग. ओके, जो भी एजेंडा है हर मीटिंग का वो चेयरपर्सन डिसाइड करता है. ऑलराइट, अब किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर वोटिंग हो गई, ठीक है, तो वो वोटिंग को कंडक्ट करने का काम, वो वोट्स को काउंट करने का काम, ठीक है, वो सब काम कौन करता है, वो सारा जो है चेयरपर्सन के अंदर आता है. कोरम, अब कोरम बेसिकली होता है कि मीटिंग के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो मीटिंग को आप कैरी ऑन कर सको, अगर उससे कम है तो फिर वो मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है. तो बेसिकली 1/3 जो है वो कोरम है, 1/3, और एंड एटलीस्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ईच ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब देखो, हो सकता है कि 1/3 तो हो स्ट्रेंथ, लेकिन इम्प्लॉयज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना आया हो, या इम्प्लॉयर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना आया हो, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ मेंबर्स भी होने चाहिए, और 1 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर का और 1 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय का कम से कम होना चाहिए फोरम के लिए, तभी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. अब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डे पे आपने मीटिंग बुलाई, चेयरपर्सन ने मीटिंग बुलाई, और उस दिन कोरम नहीं था, और उसकी वजह से मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, तो चेयरपर्सन ने बोला कि चलो यार कुछ दिन बाद मीटिंग बुलाते हैं ताकि सब लोग आ जाएं. ओके, तो अब दोबारा से आपने मीटिंग बुलाई, ऑलराइट, और दोबारा से जो कोरम है वो नहीं है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो नहीं है, ठीक है, क्लियर है. तो उस केस में चेयरपर्सन कैन से कि भैया मीटिंग तो हम करेंगे
एंड फिर उसके बाद उस मीटिंग को कोई भी अनलॉफुल नहीं बोल सकता कि भैया कोरम नहीं था तो ये मीटिंग अनलॉफुल है. नो, क्योंकि आपने मीटिंग दोबारा बुलाई. ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल नॉट लेटर देन 7 डेज, विद इन 7 डेज चेयरपर्सन ने दोबारा मीटिंग बुला ली जब पहली बार में कोरम नहीं था. ठीक है, एंड उसके बाद अगर कोरम नहीं भी है तब भी चेयरपर्सन कैन से दैट ओके, चाहे नंबर है या नहीं है, हम मीटिंग को कंडक्ट करेंगे एंड दैट मीटिंग विल बी कंसीडर्ड एज फुली लॉफुल. बिजनेस डिस्पोजल की बात करें तो जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, और अगर वोट्स टाई हो जाते हैं तो चेयरपर्सन जो है उसके पास कास्टिंग वोट होगा, टाई ब्रेकिंग वोट होगा चेयरपर्सन के पास. अब एक प्रोविजन यहाँ पर क्या है कि कोई भी डिसीजन जो है वो बोर्ड नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस दैट डिसीजन इज सपोर्टेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर. ठीक है, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी डिसीजन को पास होने के लिए. 2/3 मेजॉरिटी से कम में वो बिजनेस जो पर्टिकुलर एक्शन है उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा. उसके बाद जी चेयरमैन जो है किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं एज अ विटनेस और फॉर यू नो नोटिंग डाउन द व्यूज एंड कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी वो ऑर्डर दे सकते हैं. ओके, एंड किसी भी पर्सन को अगर वो समन कर रहे हैं, किसी भी विटनेस को वो अपने पास बुला रहे हैं, तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा. बड़ा जनरल सा पॉइंट है. टर्म्स ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो जो ऑफिशियल मेंबर्स के अलावा जो बाकी के मेंबर्स हैं, देखो ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो चेयरपर्सन रहेगा. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो चेयरपर्सन, फॉर एग्जांपल एक्स इज करेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो ही इज ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन. आफ्टर 5 डेज वाई बिकम्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो फिर वाई ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएगा. उसमें फिर टेन्योर का सवाल नहीं होता. ठीक है, लेकिन जो बाकी के अदर देन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की हमने बात की और भी लॉ से जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं या एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो टर्म होगा वो 2 साल का होगा. ठीक है, बाकी के लोगों का तो क्या होगा, जब रिप्लेस हो गए आपकी जगह कोई और आ गया तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजिशन के ऊपर आ जाएगा. ओके, ऑलराइट. रीनॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो रीनॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, बट नॉट फॉर मोर देन 3 टर्म्स. ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 टर्म्स तक आप उस बोर्ड पे मेंबर रीनॉमिनेट होकर के बन सकते हो, नॉट मोर देन 3 टर्म्स. फिर उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहोगे टू रिप्रेजेंटेड ऑन द सेंट्रल एडवाइज. ओके, सो दीज वर सम वेरी क्विक पॉइंट गाइस. इसमें से मेनली फैक्ट्स आपने मोटे मोटे याद रखने, कॉम्पोजिशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, कोरम कितना है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन की रिप्रेजेंटेशन कितनी. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो मैंने एमसीक्यू कोर्स के अंदर डाले होंगे. ओके, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बेटा सीजेशन ऑफ मेंबरशिप. इसके बाद हमें एक और पॉइंट भी अभी हमने देखना है. सीजेशन ऑफ मेंबरशिप के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी मेंबर, कोई भी बोर्ड का मेंबर लगातार 3 मीटिंग्स नहीं अटेंड करता और इसकी वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा चेयरपर्सन को, बेसिकली क्या है वो बिना बताए छुट्टी पर है, 3 लगातार मीटिंग में गायब है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी. उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है जी कि किसी को भी पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बी नॉमिनेटेड, अगर तो वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुका है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, इंसॉल्वेंट है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में जो मॉरल टर्पिट्यूड लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, उस ऑफेंस में उसका कन्विक्शन हो चुका है, ऑलराइट, तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा. ठीक है, उसको फिर